लगभग 40 छात्रों के साथ एक बड़ा वर्ग था। छात्रों की आयु लगभग 17 वर्ष थी। वे सभी एक बुद्धिमान और स्मार्ट प्रोफेसर के साथ विज्ञान विषय सीख रहे थे। एक घंटे के बाद प्रोफेसर ने उन्हें 15 मिनट का ब्रेक दिया। ब्रेक के बाद सभी छात्र कक्षा में सेट होते हैं, लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर अगले अध्याय को पढ़ाने लगे, एक लड़का अपना हाथ उठाता है और प्रोफेसर से कुछ कहने की अनुमति प्राप्त करता है। प्रोफेसर ने उन्हें खुद को समझाने की अनुमति दी। एक लड़का, उसका नाम सुरेश था, बहुत चिंता के साथ समझाता था कि साहब, मैंने अपनी बहुत कीमती कलाई घड़ी खो दी, जो मेरे पिता से मेरे जन्मदिन का बहुत ही शानदार उपहार था, लेकिन इस ब्रेक की अवधि के साथ मैंने इसे खो दिया। सुरेश के बयान को सुनने के बाद प्रोफेसर ने सोचा कि जो लड़का कलाई घड़ी चोरी करता है, वह निश्चित रूप से कक्षा में है, क्योंकि ब्रेक के बाद किसी ने भी कक्षा नहीं छोड़ी है। प्रोफेसर ने 41 अंधा कपड़े के टुकड़े का आदेश दिया और एक आदमी आंखों पर पट्टी की एक बड़ी टोकरी के साथ आया। प्रोफेसर ने प्रत्येक छात्र को आंखें मूंद ली और उसने सभी छात्रों को एक कतार में आने का आदेश दिया और मैं आप सभी की एक एक करके जांच करूंगा, और सभी छात्र प्रोफेसर के पास जाने लगे। प्रोफेसर ने प्रत्येक छात्र की जांच की। इस अंधभक्ति सत्र को पूरा करने के बाद प्रोफेसर ने आंखों पर पट्टी बांधकर टोकरी में रखने का आदेश दिया और जब सभी छात्र अपनी सीटों के साथ बस जाते हैं, उसने सुरेश को बुलाया और उसे अपनी घड़ी दी और बिना किसी चर्चा के पढ़ाना शुरू कर दिया। वह लड़का, जिसका नाम रमेश है, वह बहुत परेशान था कि प्रोफेसर कक्षा में एक चोर के रूप में उसके नाम की घोषणा करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और सभी छात्र सत्र पूरा होने के बाद कक्षा छोड़ देते हैं, लेकिन सुरेश चिंतित हो रहा था कि किसी भी दिन प्रोफेसर उसके नाम की घोषणा करेगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और सुरेश ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और एक हाई प्रोफाइल प्रोफेसर बन गए। इसलिए एक दिन उन्हें कॉलेज के एक बड़े कार्यक्रम में मनोविज्ञान के प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया। वह वहां गया और उसने वही प्रोफेसर देखा जिसने उसे कलाई घड़ी पकड़ने वाले के रूप में पकड़ा था। कार्यक्रम पूरा करने के बाद सुरेश प्रोफेसर की ओर बढ़े और उनके पैर छुए और प्रोफेसर से कहा कि साहब, आज मैं यहाँ आपकी वजह से हूँ। प्रोफेसर ने पूछा, क्यों, क्या तुम मुझे जानते हो? सुरेश ने बताया कि आप निश्चित रूप से भूल गए कि आपने मुझे कलाई घड़ी चोर के रूप में क्लास में पकड़ा था, लेकिन उस दिन मैंने फैसला किया कि जब आपने मुझे कलाई घड़ी चोर घोषित किया, उस दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की और आपने इस घटना के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और आज मुझे समाज में अच्छा स्थान मिला है, यह तुम्हारी वजह से है। प्रोफेसर ने बताया कि ओह, तुम थे। सुरेश को आश्चर्य हुआ, महोदय, आप उस घटना को भूल रहे होंगे। प्रोफेसर ने बताया कि मैंने अपनी आंखों को भी ढंक लिया क्योंकि मैं भी उस छात्र को नहीं जानना चाहता था जिसने यह किया है, और मैं अपनी आंखों और दिल में अपने छात्र के मूल्य को कम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी आंखों को ढक लिया। सुरेश की बात सुनकर प्रोफेसर रोने लगा और गले लगा लिया। घटना का नैतिकता तब है जब आप किसी भी व्यक्ति की गलती पाते हैं, फिर भी आपको इसे अनदेखा करना होगा और अपने आत्मसम्मान का निर्माण करने का मौका देना होगा, और सुरेश को खुद को सुधारने और अपनी गलतियों को समझने और खुद को बदलने का मौका मिला। हाल की अवधि में हर कोई व्यक्ति की गलतियों को खोज रहा है और उसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें वास्तव में इस तरह के लोगों की आवश्यकता है जो गलती का पता लगाने के लिए रुकते हैं और उसे सुधारने का मौका देते हैं। केवल एक बहादुर व्यक्ति ही दूसरों को क्षमा कर सकता है।